जब बढ़ेगा जुर्म का कहर हर राज्य हर शहर, तब हम करेंगे आपको आपके अधिकारों से रूबरू। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम आपके अधिकार। आज हम बात करेंगे आपके अधिकार पर, और यदि आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो आप थाने पर FIR पंजीकृत करवा सकते हैं और यह आपका अधिकार है। कोई भी थाना प्रभारी आपके FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आप शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है। ऐसे में आप क्या करें, कहां जाएं? तो आज हम आपको बताएंगे आप FIR कैसे दर्ज करवाएं। देखिए, आपके साथ जब भी कोई घटना घटित हो तो आप सबसे पहले 112 डायल करें। जब 112 डायल पुलिस आपके पास आए तो आप 112 डायल पुलिस को सारी बात बताएं। उसके बाद किसी वकील से एक तहरीर लिखवाएं और थाने पर जाकर तहरीर दें। यदि संभव हो तो अपने साथ दो चार व्यक्तियों को भी थाने लेकर जाएं, जो इस बात का समर्थन करें कि वास्तव में आपके साथ घटना हुई है और आप पीड़ित हैं। यदि थाने पर FIR पंजीकृत नहीं होती है तो आप CRPC 154(3) के तहत एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दें। उस प्रार्थना पत्र में यह भी लिखें कि आपने 112 डायल पुलिस को सूचित किया था, आप थाने गए थे, लेकिन फिर भी आपकी FIR नहीं लिखी गई। इतना सब करने के बाद भी आपकी FIR न लिखी जाए तो आप रजिस्टर्ड डाक से एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजें। उसके बाद CRPC 156(3) के तहत कोर्ट में किसी वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र दें। इतना सब करने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। तो याद रखें, FIR दर्ज करवाना आपका अधिकार है। अब हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे अगले रविवार। तब तक आप रहें सतर्क और सुरक्षित। अब जुर्म करेगा नहीं बल्कि आपको मिलेगा न्याय। तो बने रहिए हमारे साथ और देखना ना भूले हर रविवार हमारा खास कार्यक्रम आपके अधिकार रात 8 बजे।